जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पटी दुल्हन लागे है तने बहू को मारे घर के रिवाज ठीक से समझाए ना, समझा देना उसे मारे घर की बहू के सर से कभी पल्लू ना हटना चाहिए। विश्वास ही नहीं हो रहा है, आज अक्षरा की वजह से दादाजी से मुझे सुनना पड़ा। वो समझती क्यों नहीं है, ये सब करने गई है क्या पिहर? अब बहू की वजह से और क्या क्या सुनना पड़ेगा भाभी माँ? मैं देखती हूँ। हेलो राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण मुन्ना, कैसी आप? क्या हुआ, तेरी आवाज ऐसी क्यों है? तू ठीक है ना बेटा? माँ अक्षरा कहाँ है? मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, कहीं रखकर भूल गई होंगी। अक्षरा मायके गई है, उसे होश ही कहाँ होगा, अपने भैया भाभी के साथ सैर पे निकली है। हम लोग कब से राह देख रहे हैं लेकिन उसे इतना नहीं हुआ कि एक फोन करके बता दे कि देरी हो जाएगी। अच्छा माँ मैं फोन रखता हूँ। हाँ बेटा खुश रहे। जी हद होती है भाभी माँ, मुन्ना का फोन उठाने की फुर्सत नहीं है उसके पास। जाने दे। आज बहुत मजा आया, थैंक यू दादू। थैंक यू व्हाट? थैंक यू, अरे चलो अंदर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके, आप लोग घर जाइए, बहुत देर हो गई है, माँ भी राह देख रही होंगी। अरे हाँ वाकई में बहुत देर हो गई है, खत्म होता है पता ही नहीं चला। मेरी तरफ से सबसे माफी मांग लेना, बगैर मिले जा रहा हूँ ना। ठीक है बाय बाय। चल वर्षा आज का प्लान तो हिट था, नेक्स्ट टाइम नेति के साथ घूमने जाएंगे तो और मजा आएगा। बाय बाय बाय। अरे अक्षरा ये बाय। ये लड़की ना रहने दो बहू, इस नाटक की जरूरत नहीं है, यह हमारे घर का रिवाज है, मन से मानना चाहिए, वरना कह दो कम से कम हम इस भ्रम में तो नहीं रहेंगे कि हमारे घर की बहू घर की चौखट लांघती है तो हमारी मर्यादा का ख्याल रखती है। क्यों बहू, तुम बिना पल्लू के बाहर घूमने क्यों गई थी? जानती हूं ना पल्लू नारी की लज्जा होती है, उसे हटाया कैसे? हमें कभी ऐसे खुले सिर देखा है तुमने? या घर से बाहर निकल के ये भूल गई कि किस घराने की बहू हो तुम?
गद्दा जी ने तुम्हें बिना पल्लू के देखा। शर्म से आंखें झुक गई उनकी, साथ में रिश्तेदार भी थे। तुम सिनेमा हॉल के बाहर सड़क पर बिना पल्लू की थी, खुलेआम हंसी मजाक हो रहा था। जानती हो दद्दा जी कितने नाराज हैं? उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने हमारे घर की बहू को सिखाया नहीं, समझाया नहीं है। तुम्हें कितनी बार बताया है अक्षर, तुम समझती क्यों नहीं? मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। एक बात जान लो बहू, इस घर में ना ऐसा चलता है ना ही चलेगा। कल तुलसी विवाह है, बहुत सी तैयारी करनी है। तुम नहीं थी इसलिए रश्मि और नंदिनी को बाजार भेजा है सामग्री लाने के लिए। भाभी माँ से पूछ लेना तुम्हें क्या क्या करना होगा। महाराज जी, वो गुलाबों कहाँ रह गए? पता नहीं आए क्यों नहीं अभी तक। इतना सामान लेकर हम लोग कार तक कैसे जाएंगे? दीदी वो देखो मोहित। अरे क्या बात है, बहुत शॉपिंग हो रही है। मोहित प्लीज हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो। मुझे दूसरों के मामलों में दखल देने की आदत नहीं। मोहित प्लीज, महाराज और गुलाबों पता नहीं कहाँ चले गए हैं और अभी तक नहीं आए, प्लीज हेल्प कर दो। माय प्लेजर। कहाँ है आपकी कार? बस माई। चलिए चले। मैं इतने सारे बैग नहीं संभाल सकती। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपका काम करूं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं क्यों करूं? क्योंकि मैं कह रही। पहले सॉरी बोलो। I'm sorry. सिर्फ एक शर्त पे माफ करूंगा। क्या शर्त? आपको मेरे साथ एडिटर के ऑफिस आना पड़ेगा, वो आपसे मिलना चाहते हैं। पर बाबूजी, अब वो सब मैं देख लूंगा। ओके। ये हुई ना बात। रश्मि हटो, 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 हटो। अच्छा ये दे दो। नहीं 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 नहीं। भाग के। भगवान, 5 मिस्ड कॉल्स।
नैतिक, फोन उठाइए। अब याद आई है मेरी। नैतिक प्लीज, आपसे बात करनी है, फोन उठाइए। हेलो। हेलो नैतिक, आप मुझे बार बार फोन क्यों कर रही हैं? अब क्या जरूरत है? आपके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि आप मेरा एक फोन उठा सके अक्षरा? नैतिक मैं घर गई थी। हाँ? आप अपने घर वालों के साथ मजे कर रही थी और मैं यहाँ अकेले आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर फिक्र किसे है? अब आप करिएगा भी मत। अरे माँ, ये दोनों तो फिर से छोटी बच्चियां बन गई थी आज। क्यों नहीं, इतने दिनों बाद खुलकर जो हंसे थे। उफ, कितना खाया पिया। चलो ये अच्छा हुआ जो दोनों घर से बाहर निकले। कभी कभार ऐसे घूम के आना जरूरी होता है। बेटा। अरे अक्षरा का फोन है। हाँ हाँ, उसे भी आज का धूम धड़ाका याद आ रहा होगा। उठा लो। बेटे बेटा जरा मैं बात करूँ। कैसा रहा आज का दिन? माँ, वर्षा बता रही है कि तुम दोनों ने खूब मजा किया। जी। अक्षरा, क्या हुआ बेटा, बोल क्यों नहीं रही है? अक्षरा, कुछ बोलना बेटा, चुप क्यों है? हाँ, कुछ नहीं माँ, बस आपकी बहुत याद आ रही थी इसीलिए फोन किया। अक्षर, फोन काट दिया? क्यों काट दिया फोन? अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही थी। रो रही थी? क्या कहा उसने माँ? कुछ बोल नहीं रही बेटा, बस रुआसी आवाज में बोली, माँ आपकी बहुत याद आ रही। माँ मैं फोन करती हूँ अक्षरा को। हाँ बेटा कर। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही है? क्या बात हो सकती है, उसने कोई बात भी नहीं की और ऐसा लग रहा था जैसे भरे गले से बात कर रही है। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? माँ आप ऐसे ही टेंशन ले रही हैं। अक्षरा ठीक है? बेटा वो ठीक नहीं है, देखा ना तूने, फोन भी नहीं उठा रही है। भाई बहन से फोन करके पूछो। नहीं माँ, इस टाइम अच्छा नहीं रहेगा, पति को कितनी रात हो गई है, हम लोग सुबह फोन करें। हाँ आप सो जाइए और टेंशन मत लीजिए। समझ ही नहीं आ रहा है। हाय कमांड, आप मत थोड़ा शांत हो जाइए और इस बात को यहीं खत्म कीजिए और शांति से सो जाइए। आपने अक्षरा बिटिया को सब कुछ समझा दिया है ना? 100 बार समझाया है, वो समझे तब ना, जाने कब स्वभाव बदलेगा उसका। दद्दा जी को तो यही लगता है ना कि मेरी गलती है, मैं सास होने की जिम्मेदारी नहीं निभा रही। अब मैं उन्हें क्या बताऊं,
10 बार उसे सर पे पल्लू के लिए टोक चुकी, वो सुने तब ना। उसे काम सिखा रहे हैं, इस घर के रिवाज उसके लिए नए हैं, तो भाभी माँ और मैं उसे समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और हम क्या करें? कमांड ऐसा नहीं है, और दादाजी भी ये बात को मानते हैं। अक्षरा बेटिया अभी नादान है, गलतियां हो जाती है उसे। इतनी भी बच्ची नहीं है। जब मैं ब्याह के इस घर में आई थी तो उसे उम्र में छोटी थी, लेकिन मैंने सब समझा ना। आपकी बात अलग है कमांड, हर इंसान अपने तरीके से सब कुछ सीखता है, अपने समय से सीखता है, और फिर अक्षरा बिटिया के घर में रिवाज कुछ ज्यादा ही अलग है, इसलिए उसे समय भी ज्यादा लग रहा है सब कुछ समझने में। फिर भी कोशिश तो कर रही है ना वो, कभी मना किया आपसे? आप सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ होगा अक्षरा को? फोन भी नहीं उठाया, तो बहुत खुश थी। हमने उसे टाइम से तो घर छोड़ दिया था ना। वर्षा तुम भी माँ की तरह कितनी टेंशन लेने लगी हो? हाँ कुछ नहीं हुआ है, अक्षरा ठीक है। अब नैतिक जी यहाँ नहीं है तो अचानक से सबकी याद आ गई होगी। आप लोग भी ना जरा सी बात पे जैसे घबराने को तैयार बैठे रहते हो। आप सही कह रहे हैं, हमें तो छोटी छोटी बात पर खटका सा लग जाता है, जबकि पता है कि आज अक्षरा कितनी खुश थी। और आप भी क्यों नहीं, कितने दिनों बाद आज हम घूमने के लिए गए शादी की बात, वही जोर जोर से हंसना, चाट खाना। हाँ सही कह रही थी, हमें जाते रहना चाहिए, कितना मूड फ्रेश हो जाता है ना। तुम्हें इतना खुश देखने के लिए तो मैं तुम्हें रोज बाहर ले जाऊं। ऐसे मुस्कुराती रहा कर, आपकी ये मुस्कुराती और चमकती आंखें मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसे पता है वर्षा, जब तुम यहाँ नहीं थी तो मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। सोचता था कि तुम यहाँ आ जाओगी तो एक पल के लिए भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। दादाजी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, खुश रह। अच्छा सुन, हमारी मीटिंग हो गई? जी मैं तो बस आपको फोन करने ही वाला था। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे आप चाहते थे। मैंने पता था कि तू सब कुछ कायदे से कर लेगा। अब बात सुन, कल सवेरे राजबन्ना से भी बात कर लियो, ठीक है? जी दादाजी। फोन करते रहना, और कोई तकलीफ तो ना है ना? नहीं बिल्कुल नहीं दादाजी। ठीक है तो फोन रखूं? जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण मुन्ना। Hey, 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 hey
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।